नमाज पढ़ते हैं यहाँ पे, और कोई आपत्ति नहीं, किसी को किसी बात की कोई असुविधा नहीं है। आते हैं लोग, जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और जुमे के दिन तो हमेशा पूरी मस्जिद खुल रहती है। अभी जो नमाज बंद की गई है उसको लेकर के आपका क्या कहना है? शुक्रवार करा गलत की गई है नमाज को बंद करने की बात जो की गई है, बहुत गलत की गई है। यहाँ पे हम खेलते थे, कूदते थे यहीं पर ही, और मेले तमाशे भी होते थे, अंदर होते थे। उसके बाद में टिकट लगा दिया गया, टिकट लेके भी लोग आते हैं जाते, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। यहाँ नमाज जो 5 टाइम की नमाज होती थी इसके अंदर, और धीरे धीरे इन्होंने जो बंद करने का प्रयास कर दिया है कि भाई ये नमाज बंद करी है, 4 टाइम की रह गई, 3 की रह गई, अब ये 1 टाइम की जुमे की दिन है, वो भी इसका प्रयास कर रहा है, बंद होना चाहिए। देखिए, हमें वैसे तो आम दिनों में भी नमाज यहाँ होती थी और होती रही है, चूँकि यहाँ बाकायदा एक इमाम की नियुक्ति थी, मगर कुछ दिनों से ASI ने इस तरह की गड़बड़ कर दी है कि इमाम साहब को मना कर दिया अंदर जाने से, और ये कह दिया सिर्फ शुक्रवार की ही नमाज पढ़ाओगे, इसकी हमें परमिशन है, जबकि ऐसा कोई लॉ नहीं है, कोई परमिशन नहीं है, चूंकि मस्जिद में सभी नमाजें होंगी। कितने बजे से कितने बजे तक नमाज चलेगी? अभी 1:55 पे जमात खड़ी होगी, लेकिन 1:40 तक प्रवेश दिया जाएगा, और इसके बाद जो है लोग बाहर आना शुरू करेंगे, तो वो तकरीबन 2:15 बजे तक बाहर आएंगे। रेगुलर जो नमाज हो इसको लेकर के क्या रहेगा आज की? देखिए, रेगुलर नमाज को लेकर के आज एक बैठक बुलाई गई है, और उस बैठक में लोग उपस्थित रहेंगे।